हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड सेंटर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको तुरपाई करना सिखाई थी। आई होप आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आइए अब हम आज की सेकंड क्लास में आपको कांच पटन करना सिखाएंगे। कांच पटन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा कपड़ा लिया है, धागा लिया है और एक छोटी सुई। सबसे पहले हम सुई में सिंगल धागा डालेंगे। हम पहले आपको कांच करना बताएंगे, उसके लिए हमने सुई में सिंगल धागा डाला है। सिंगल धागा डाला है और फिर हमने धागे के दोनों सिरों को पकड़ करके नॉट लगा देंगे, मतलब कि हमारे पास धागे की डबल लेयर हो गई है। अब हम कांच करना स्टार्ट करते हैं। कांच करने के लिए हमने यहाँ पर डबल कपड़ा लिया है और डबल कपड़े में हम थोड़ी सी कट लगाएंगे। ध्यान रखें, हमने यहाँ डबल कपड़ा लिया है, अब उसमें हमने थोड़ी सी कट लगाई है। कट के एक सिरे से हम कांच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने सुई निकाली है और जो हमारा धागा था उसके सेंटर में से हमने इसे गिठान को पक्की कर ली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम कट के एक तरफ से कांच करेंगे। एक तरफ से कांच करने के लिए उसी के पास हमने देखिए नीचे की तरफ से कपड़े में से सुई फोड़ेंगे और हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इस सुई के ऊपर से हम धागा डालेंगे। इसी तरीके से थोड़ी सी पास में उसके और हम सुई फोड़ेंगे। नीचे की साइड से हमें सुई निकालना है और ऊपर कपड़े में निकाल देना है और धागे को सुई के ऊपर से निकालेंगे। ये देखिए, धागे को हम सुई के ऊपर से डालेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी पास में सुई फोड़ते जाएंगे और कांच करते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ी ही दूरी पर हमने और सुई रखी और धागे को ऊपर से निकाला है सुई के। इस तरीके से हमारा कांच होता जाएगा और हमारे धागे में नॉट लगती जाएगी, जिससे कांच फिनिशिंग के साथ होता जाएगा। हमारी कट का एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम सेंटर में इसको पक्का करेंगे और फिर अब सेकंड साइड की तरफ कांच करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने इस एक साइड में कांच किया है, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम करते जाएंगे। नीचे से सुई को कपड़े में ऊपर की तरफ फोड़ेंगे और धागे को ऊपर निकाल देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसी तरीके से नॉट लगाते जाना है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, सेम इसी तरीके से सेकंड साइड कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे सेकंड साइड में हम करते हुए आ गए हैं कांच और ये हमारा वापस से इसका कोना निकल आया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और इसमें नॉट लगा लेंगे। देखिए, थोड़ा सा कपड़ा हमने लिया है और इसमें नॉट लगा लिए। अब हम धागे को तोड़ देंगे। आप देख सकते हैं, फिनिशिंग के साथ हमारा कांच बन करके तैयार है। ये देखिए, इसी तरीके से आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करिए। आइए अब हम बटन टाँकना सीख लेते हैं। हमने सुई ली है, अब हम सुई में डबल धागा पिनाएंगे। ये देखिए, हमें सुई में डबल धागा डालना है। डबल धागा डाला है हमने और दोनों सिरों को मिला करके नॉट लगा देंगे। हमारे पास धागा फोर लेयर्स में है। हम जब भी बटन टाकेंगे तो बटन के लिए हमें फोर लेयर में धागा चाहिए। अब जहाँ भी हमें जिस कपड़े में बटन टाकना है, उस कपड़े में नीचे की साइड से हम ऊपर की साइड सुई को निकालेंगे। हमें धागे की नोट को नीचे की तरफ रखना है। अब देख सकते हैं आप, हमने बटन के एक आइज में धागा निकाल लिया है और अब हमने उसके अपोजिट साइड में धागे को डाल दिया है। ये देखिए, अब हम फिर से उसी आइज में धागा फोड़ेंगे जिस आइज में हमने पहले फोड़ा था और उसके अपोजिट साइड आइज में धागे को नीचे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हमने टू टाइम ऐसे ही किया है। अब हम इसके साइड वाली आइज में धागे को फोड़ेंगे और उसके अपोजिट साइज आइज में धागे को डाल देंगे। इसी तरीके से हम इसे एक बार और करेंगे। हमने दोनों आइज में दो दो बार धागे को पक्का किया है। अब हम नीचे की साइड धागे को थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा सा कपड़ा लेकर टू टाइम नॉट लगा ली है और अब हम धागे को तोड़ देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हमारा बटन टक चुका है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ। हमारे कांच बटन कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।